बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नक्सल प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक बल के जवान मोर्चा संभालें। सुरक्षा ऐसी होगी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। चुनाव को देखते हुए फोर्स की तैनाती का खाका लगभग तैयार कर लिया गया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का जिम्मा अर्धसैनिक बलों के जवान ही संभालेंगे। इनके साथ दूसरे राज्यों से आए बलों को भी बूथों पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रथम चरण में बिहार के 71 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाने हैं। 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कई इलाके नक्सल प्रभावित हैं, लिहाजा सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह चरण सबसे संवेदनशील है। खासकर औरंगाबाद, गया, लखीसराय और जमुई में नक्सलियों के खिलाफ विशेष रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। बता दें कि अर्धसैनिक बलों और राज्य की विशेष पुलिस बल की लगभग 1100 कंपनियां बिहार पहुंच चुकी है। बाकी के बचे हुए दल भी 1 से 2 दिनों में बिहार पहुंच जाएंगे। ट्रेजरी, बैंक, रिजर्व गार्ड और कोर्ट सुरक्षा में तैनात जवानों को छोड़ बाकी सभी को चुनाव ड्यूटी पर लगाने का आदेश दिए गए हैं। स्टैटिक के अलावा कई बूथों को मिलाकर पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था रहेगी, जिसके लिए पूरी खाका तैयार कर लिया गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थित बूथों पर बड़ी संख्या में सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी।